The person who bathes with water can change the clothes, but the person who bathes with sweat, who can change the history. जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के ऊपर है, यानी कि गैस के बारे में ये वीडियो है। तो घरेलू नुस्खों के साथ में, मतलब होममेड, कैसे आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, कुछ पूछ रहा हूँ बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस की समस्या होना एक आम बात है, ये छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को गैस की समस्या होती है। एलोपैथी में तो इसका इलाज है, लेकिन मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो घरेलू नुस्खे की है। तो बात करते हैं घरेलू नुस्खे के बारे में। भोजन के साथ अगर आपने सलाद के रूप में टमाटर का प्रयोग किया तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और अगर इसमें काला नमक छिड़क कर आप खा रहे हैं साथ में तो इससे भी तो और ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। लेकिन जिन लोगों को पथरी की समस्या है वो कच्चे टमाटर का सेवन, लहसुन और अदरक, गार्लिक और जिंजर का प्रयोग आप अगर रोज करते हैं सुबह खाली पेट, तो इससे भी गैस की समस्या से आप दूर रह सकते हैं, गैस की समस्या की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सुबह खाली पेट आपको लहसुन के 3-4 कलियां और छोटे छोटे अदरक के टुकड़े का सेवन आप करते हैं तो गैस की समस्या आप से निजात। 8-10 पत्ते मिंट के, यानी कि पुदीने के पत्ते के साथ थोड़ा सा मिश्री आप लेकर चबाकर खाएंगे तो इससे आपके गैस की दिक्कत खत्म होगी, भूख खुलकर लगेगी और पेट भी आपका हल्का रहेगा। कई बार खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद पेट में वायु बनती है, तो इससे निजात पाने के लिए आप 3-4 काली मिर्च का पीस कर पाउडर बना लें और उसे फांक लें और ऊपर से गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके पी लें। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट दर्द और गैस में काली मिर्च का पाउडर और अदरक का रस अगर आप लेते हैं तो ना पेट दर्द होगा और ना गैस की कोई दिक्कत होगी। कभी कभी गैस के कारण सर में दर्द होने लगता है, तो इससे निजात पाने के लिए आप चाय में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर आप पीते हैं तो आपके सर दर्द से आराम मिलता है। वायु की समस्या, यानी कि गैस की समस्या होने से बचने के लिए आपको हरड़ के चूर्ण के साथ में शहद मिलाकर अगर आप लेते हैं तो वायु की समस्या आपको, यानी गैस की समस्या आपको नहीं। सबसे बढ़िया और अच्छा उपाय, अगर पेट में गैस और दर्द हो रहा है तो नाभि में आप थोड़ा सा हींग लेकर के लगा के रख दें, इससे आपके गैस सारे निकल जाएंगे और दर्द भी आराम मिलेगा आपको। तो ये था गैस के ऊपर घरेलू नुस्खे सारे उपाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें। मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।